सत्रकाल तो देख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में हर्षदीप कौर और नसे पाले ने बविंजा शॉर्ट एंड शॉप खबर आते पंजाब विच हो रही बेदबी दे घटनावां ते बोलदे होए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि शरारती अंसरां दी शरारत है जो आगामी विधानसभा चोणां करके सूबे दा माहौल खराब करना चाहुंदे ने उन्हां नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग हैं जो पंजाब में अमन शांति भाईचारे शांति खराब करना चाहते हैं यह हो ताकि एक दूजे के जो भावनावान उन्होंने सच लगे तो कुछ फर्क पड़े ये लोग पंजाब के मतलब अमन शांति भंग करने लगे ये करी जाइए लेकिन ये लोग हम ज्यादा क्योंकि इलेक्शन नेड़े है कुछ पोलिटिकल पार्टियां कुछ तरीके कई गल इस कांग्रेसी पंजाब मामले के इंचार्ज आशा कुमारी का कहना है कि पंजाब के माहौल के लिए पूरे तरीके नाल सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि अगर पंजाब का माहौल कोई बिगाड़ रहा है तो वो जो वर्तमान सरकार है वो बिगाड़ रही है और जो वर्तमान सरकार है जो उनके अपना दायित्व है उसको निभा नहीं रहे हैं। हल्के विच कैप्टन तो बाद हुण बूथ लेवल ते कांग्रेस करेगा पार्टी नूं मजबूत राहुल गांधी नाल पंजाब दे आला अगुआ दी मीटिंग तो बाद फैसला कांग्रेसी टिकट लई 1600 उम्मीदवारां ने अपनी दावेदारी कीती पेश। रिव्यू बैठक होती रहती पंजाब में लेकिन आप लोग अगला प्रोग्राम क्या करने वाले को कहा गया था पंजाब में बताएंगे। पंजाब लास्ट डेट 15 था मगर दो दिन बीच में छुट्टी थी तो कुछ लोगों के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के लिए उन्होंने मतलब पेपर्स फुली सबमिट करने के लिए कल आज तक हमने कहा था कि जिनके नहीं हो पाए थे तो किसी ने कुछ दस्तखत करने थे कुछ करना था अदरवाइज एप्लीकेशन लेने का खत्म हो गया। बूथ लेवल तक जाएंगे अभी हमने हल्के तक किया था हल्के मीन्स 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मीटिंग्स की थी अब जो हमारा अगला प्रोग्राम है पीसीसी का प्रोग्राम है वो बूथ लेवल तक है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ते भी आशा कुमारी ने तंज कसिया है सिद्धू क्या करते हैं वो सिद्धू जाने कांग्रेस क्या कर रही है हम वो देखेंगे पंजाब विच नहीं रोक रहा धार्मिक ग्रंथा की बेदबी का मामला अच डीजीपी अशोक अरोड़ा के नाल ईसाई भाईचारे ने की मुलाकात ईसाई भाईचारे दे जिहड़ी के चप्पल के उपर प्रिंट फोटो रवि यसु मसीह की की गई भाईचारे बहुत ज़्यादा रोस वाधा जा रहा वा जिहड़ा कि अजे तक सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की शरारती अंसर खिलाफ जद कि असं अज डी जी साहब नूं मिले हाँ उन्होंने सानू भरोसा दिता कि असी जल्दी तो जल्दी कार्रवाई करके जेडे शरारती अंसर उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करांगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है मुख्यमंत्री इस बार खन्ना विधानसभा हल्के के लोगों का हाल जानने पहुंचे जिथे उन्होंने लोगों की समस्यावां सुन के उन्होंने मौके से निपटारा करने का काम किया उधर पंचायतों ने विकास कार्यों के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपए के चेक वंडे। करनैल सिंह ईसड़ू के श्रद्धांजलि समागम में नवजोत सिंह सिद्धू से बयानबाजी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सिद्धू कोई भगवान नहीं तो भगवंत मान ने कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण तक नहीं किया कोई फैसला। पंजाबी के मशहूर नॉवलकार
गुरदयाल सिंह का होया देहांत, मड़ी का दीवा ते अन्य घोड़े का दान स्थान प्रमुख नोवल, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने जताया दुख। जमीन हेठे पानी के पद्धर नूं ठीक रखने लिए एसटीपीसी गुरुद्वारे विच लगावेगी वाटर सेफ ट्रीटमेंट प्लांट, एक महीने अंदर शुरू होगा काम। पहले गेड़ विच तकरीबन 35 गुरुद्वारे तो होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का वड्डा बयान, पाकिस्तान ते नर्क विच जाना इको जिहा, बोले दहशतगर्दी के नतीजे खुद भुगत रहा है पाकिस्तान। हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिया, पाकिस्तान में जाना और नरक में जाना एक ही, 5 लोगों को कितने भेज दिया आपको मालूम, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है थी, उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अभी कभी कभी उसका आतंकवाद का परिणाम वो खुद भुगत रहे हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा ना जुड़े प्रोग्राम विच शिरकत करन रेवाड़ी पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सैनिक भर्ती केंद्र खोलने का दिता भरोसा, देश की फौज के इतिहास च रेवाड़ी दे योगदान का भी जिक्र किया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक विच मारा गांव जगमग गांव योजना सने विकास कार्यों ते हुई चर्चा, मारा गांव जगमग गांव योजना नूं होर वधाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के अंदर पत्रकारों के मोबाइल ले जाने पर लगी पाबंदी, हुण पत्रकार विधानसभा के अंदर नहीं ले जा सकेंगे अपना मोबाइल। हरियाणा में कल मनाया जाएगा महिला पुलिस दिवस, पंचकूला में होने वाले सूबा पदरी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत, पहली बार हो रहे इस प्रोग्राम में बेमिसाल सेवावां देने वाली महिला पुलिसकर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। हिसार के तानसू पिंड च आजादी दिहाड़े से पेश की गई खास मिसाल, 12वीं क्लास में सब तो ज्यादा नंबर पाने वाली लड़की सुशीला बनाया गया एक दिन की सरपंच। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की जमानत पटीशन से पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई, 20 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी फैसला। सीआरपीएफ कमांडेंट शहीद प्रमोद कुमार नूं राजकीय सम्मान दे नाल अंतिम विदाई, 6 साल की बेटी आरना ने कहा वड्डी होके बनना चाहती है पुलिस अफसर। सरहद ते फौज के बंकर ते दहशतगर्दी हमले की साजिश, दहशतगर्दी बना सकते ने निशाना, घुसपैठ के 8 ठिकाणियों नूं दी की गई पहचान, सूत्रों के हवाले तो खबर, गृहमंत्री ने की हाई लैवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सूबे के हालात के लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार तो लैके हुण तक दे केंद्र सरकार नूं जिम्मेवार दसिया, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कश्मीर समस्या का हल कढ़ने की उम्मीद जताई। महबूबा ने यह भी कहा कि बंदूक नाल समस्या का हल नहीं होगा। बलूचिस्तान के मुद्दे से घिरे जाने बौखलाया पाकिस्तान, नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरदार अजीज ने कहा भारत कश्मीर के मुद्दे तो ध्यान भटकाना चाहता है, इसलिए झुकया बलूचिस्तान का मुद्दा। हिमाचल च जनता नूं मिलन वालियां सेहत सुविधावां नूं लैके गंभीर नहीं नजर आ रहे सेहत विभाग ते सरकार, 6 महीने पहला शुरू किए गए ऑनलाइन ब्लड बैंक के बारे में लोगों नूं नहीं किया गया जागरूक, पता ना होने के चलते लोग नहीं चुक पाते सुविधा का फायदा। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं बहुत सालों से रक्तदान करता हूँ, करीब 32 या 33 बार कर चुका हूँ,
जब तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी जनता में तो ये लोग कैसे इसको उपयोग करेंगे। अक्सर देखा गया है, मुझे भी कॉल्स आती हैं, मेरे सर्कल में जो और ब्लड डोनर्स हैं उनको कॉल आती है कि फलां अस्पताल में फलां ग्रुप की ज़रूरत है। अगर ये इसके बारे में अवेयरनेस हो और इसको सही ढंग से इसका प्रचार किया जाए तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। एमरजेंसी व्यवस्था चलदिया खोले गए मंडी के लाची डैम के 3 गेट, जारी होया अलर्ट, शाम 7 बजे तक ब्यास नदी किनारे ना जाने की हदायत। शिमला में हुई भारी बारिश, सड़कों से पानी भरन के चलदिया लोगों को चुकनी पई खासी परेशानी, छोटा शिमला की कुछ दुकानों में भी वड़िया पानी। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को आने जाने में, पर काफ़ी दिक्कत हो रही है और शॉप्स में भी काफ़ी रेन हो रहा है, अंदर भी सबके ही जा रहा है, घर में यार जा रहा है, दुकानों में जा रहा है, सड़कों पे जी। हाँ जी, सड़कों में काफ़ी है जी, बहुत ज़्यादा काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को जी। भोपाल इटारसी जबलपुर कोटा सने कई जोन विच खतरनाक, सेल्फी लैंड वाले ते लगेगा जुर्माना, रेलवे खतरनाक तरीके ना सेल्फी लैंड ते 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूल करेगा। 25 अगस्त मध्य प्रदेश विच नवे नियम लागू। जुलाई तो पेट्रोलियम दे कीमतों विच हुई चौथी कटौती, पेट्रोल दी कीमत विच 1 रुपए प्रति लीटर ते डीजल दी कीमत 2 रुपए प्रति लीटर हुई घट, अज तो लागू हुई घटिया कीमतां। ब्राजील के शहर रियो में मनाया गया आजादी दिहाड़े का जश्न, हरियाणा के खेड मंत्री नाल अधिकारी ते खिडारियों ने लिया हिस्सा। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हमारा एक भाईचारा है, हम उनकी इस लड़ाई में जब वो देश के लिए लड़ रहे हैं जिस भी वो स्थिति में हैं हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और हमारे आने से उनको बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, बहुत उनका उत्साह बढ़ता है और हम ये भी देखने आए हैं कि यहाँ पर किस हालात में क्या उनको कोई कठिनाई कोई दिक्कत कोई किस प्रकार की परिस्थितियों में हमारे खिलाड़ी यहाँ पर रह रहे हैं और ये भी हम देखना चाहते हैं कि उनकी आगे से परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए क्या किया जा सके।